सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। अरे बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन थर्ड के बारे में। तो हमारा क्वेश्चन थर्ड क्या दिया कि द हाइट ऑफ द कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। मतलब कि भैया, जो आपका कोन है उसका हमें वॉल्यूम अब दे दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 πr² होता है। वॉल्यूम की वैल्यू हमें कितना दिया है, 1500 सेंटीमीटर दिया है। अच्छा ठीक है, तो बस 22/7 रेडियस की वैल्यू हमें पूछ ही रहा है, तो रेडियस हाइट हमें कितना दिया बताइए आप लोग। हाइट आपका बेसिकली दिया 15 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम लोग रेडियस की वैल्यू निकाल लेंगे सभी चीज़ों को इधर ले जाके, तो हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ तो रेडियस की वैल्यू आप निकाल के बताइए कितना आ रहा है। कैलकुलेटिव पार्ट करना है, बहुत आसान था। ठीक है, तो आप लोग भी कोशिश करा करिए अपने से, जितना ज़्यादा आप अपने से लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही मैथ आप लोगों को आएगी। ठीक बच्चों, तो आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन फोर्थ के बारे में। जो हमारा क्वेश्चन फोर्थ में भी हमारा बेसिकली वॉल्यूम दे दिया, कितना दिया है, 48 πr² सेंटीमीटर क्यूब, और हाइट कितना, 9 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें करना है फाइंड द डायमीटर ऑफ इट बेस। हमारे जो फोर्थ वाले में क्या दिया है कि वॉल्यूम आपको दिया है 1/3 πr²h। वॉल्यूम की वैल्यू कितना दिया बताइए आप लोग, 48 πr² दे दिया है। 1/3 πr² इंटू रेडियस की वैल्यू हमें बेसिकली पूछा है और 9 हमारा है। तो चलिए मैं देखो, यहाँ से 48 × 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा। ठीक है, और 9 से हम लोग डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ से हमारा रेडियस की वैल्यू कितना आएगी, यहाँ से रेडियस की वैल्यू हमारी लगभग 4 आ जाएगी, 4 आ जाएगी ना, रेडियस वैल्यू हमारी 4 आएगी। बस हमारा आंसर आ गया, हाँ ना बोलिए आप। ठीक बच्चों, देखिए बस हमारा थर्ड वाला भी कर लिया, फोर्थ वाला कर लिया, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अच्छा ठीक है, हमें डायमीटर पूछा, डायमीटर हम लोग जानते हैं, रेडियस का दोगुना कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डायमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर इसका आंसर है। ठीक बच्चों, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा।